सब्सक्राइब कीजिए क्रिकेट विद विजय चैनल को एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए लेटेस्ट क्रिकेट वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों हमने साल 2021 को अलविदा कह दिया है और साल 2022 में प्रवेश कर चुके हैं। दोस्तों साल 2021 में हमें इंडियन क्रिकेट टीम में काफी उतार चढ़ाव होते हुए देखने को मिले। कई ऐसे ऐतिहासिक और यादगार मोमेंट्स रहे जो कि हम कभी भूलना नहीं चाहेंगे, तो वहीं कई मोमेंट्स ऐसे भी रहे जिन्हें कि शायद हम कभी याद न करना चाहे, जैसे कि WTC फाइनल हारना, विराट कोहली का IPL खिताब और T20 वर्ल्ड कप का खिताब जीते बिना व्हाइट बॉल क्रिकेट की कप्तानी छोड़ना। तो चलिए दोस्तों इन बुरे मोमेंट्स की ज्यादा बात नहीं करते हैं और साल 2021 में इंडियन क्रिकेट टीम में घटे कुछ बड़े और यादगार मोमेंट्स को याद करते हैं। हालांकि दोस्तों ये वीडियो मैं कल ही डालने वाला था लेकिन कुछ और काम ज्यादा होने की वजह से नहीं डाल पाया। खैर चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं साल 2021 के पहले बड़े मूवमेंट की, तो वो ऑब्वियसली आप जानते होंगे, वो है गाबा में टीम इंडिया की ऐतिहासिक जीत जिन्हें की इंडियन क्रिकेट में कई दशकों तक याद रखा जाएगा। दोस्तों बात है 19 जनवरी 2021 की, जब टीम इंडिया के पास ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया में ही 4 मैचों की टेस्ट सीरीज को 2-1 से जीतने का सुनहरा मौका था। क्योंकि दोस्तों यहां पर पहला टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया ने जीता था, दूसरा टेस्ट मैच इंडिया ने जीता था, तीसरा टेस्ट मैच ड्रॉ रहा था, तो यहां पर चौथा टेस्ट मैच जो है निर्णायक साबित होने वाला था। जो कि दोस्तों इस मैच में टीम इंडिया के कई प्रमुख खिलाड़ी उपलब्ध नहीं थे, विराट कोहली, रविचंद्रन अश्विन, रविंद्र जाडेजा, मोहम्मद शमी और जसप्रीत बुमराह जैसे खिलाड़ी न होने के बावजूद एक युवा टीम ने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराने का जज्बा दिखाया और टीम इंडिया ने ऋषभ पंत की 89 रनों की नाबाद पारी की मदद से ऑस्ट्रेलिया से मिले 328 रनों के टारगेट को चेस किया, सीरीज को 2-1 से जीता और गाबा में ऑस्ट्रेलिया के 32 सालों से चले आ रहे विजय रथ को रोककर इतिहास रचा। दोस्तों बात करें साल 2021 के दूसरे बड़े मूवमेंट की, तो वो रहा चेन्नई टेस्ट में रविचंद्रन अश्विन का ऑलराउंड परफॉर्मेंस। दोस्तों बात है फरवरी 2021 की, जब इंग्लैंड की टीम 4 टेस्ट, 5 T20 और 3 ODI के लिए भारत दौरे पर आई थी। दोस्तों इंडिया और इंग्लैंड के बीच खेले जाने वाली 4 मैचों की टेस्ट सीरीज का आगाज इंग्लैंड ने पहले टेस्ट में बड़ी जीत हासिल करके किया था, जिसमें जो रूट ने अपना दोहरा शतक जड़ा था। हालांकि दोस्तों दूसरे टेस्ट में टीम इंडिया ने जबरदस्त वापसी की रविचंद्रन अश्विन के ऑलराउंड प्रदर्शन के बदौलत। दोस्तों रविचंद्रन अश्विन ने उस मैच में कुल 8 विकेट ली और कुल 119 रन बनाए। दोस्तों रविचंद्रन अश्विन ने पहली इनिंग में 13 रन बनाए जबकि इंग्लैंड की पहली इनिंग में उन्होंने 5 विकेट लिए, अपना 5 विकेट हॉल कंप्लीट किया। तो वहीं रविचंद्रन अश्विन ने टीम इंडिया की दूसरी इनिंग में जब टॉप ऑर्डर में एक के बाद एक बल्लेबाज आउट होता जा रहा था, तब लोअर ऑर्डर में आकर 106 रनों की शतकीय पारी खेली और टीम इंडिया को मुसीबत से बाहर निकाला। वहीं दोस्तों रविचंद्रन अश्विन ने उस मैच में इंग्लैंड की दूसरी इनिंग में 3 विकेट ली थी। तो इस तरीके से रविचंद्रन अश्विन के ऑलराउंड प्रदर्शन के बदौलत टीम इंडिया ने सीरीज को 1-1 की बराबरी पर लाकर खड़ा कर दिया। दोस्तों अगर हम इंडियन क्रिकेट की बात कर रहे हैं तो इंडियन प्रीमियर लीग को कैसे भूल सकते हैं। दोस्तों साल 2021 का तीसरा सबसे बड़ा मूवमेंट रहा CSK का IPL 2021 का खिताब जीतना। दोस्तों IPL 2020 CSK के लिए बहुत ही खराब रहा था, 14 में से 8 मैच हार कर CSK ने लीग स्टेज पॉइंट टेबल में नंबर 7 पर रहकर खत्म किया था। उस वक्त MS धोनी ने कहा था कि हम अगली बार जबरदस्त वापसी करेंगे और हम इसी के लिए जाने जाते हैं। CSK ने ऐसा ही किया, IPL 2021 में CSK ने जबरदस्त वापसी की और फाइनल में KKR को हराकर चौथी बार IPL का खिताब जीता। उनके बाद दोस्तों साल 2021 का चौथा सबसे बड़ा मूवमेंट रहा लॉर्ड्स में खेले गए रोमांचक टेस्ट में टीम इंडिया की जीत। दोस्तों बात है अगस्त 2021 की, जब टीम इंडिया 5 मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए इंग्लैंड दौरे पर गई थी। इंडिया और इंग्लैंड के बीच पहला टेस्ट में ड्रॉ होने के बाद लॉर्ड्स में खेले गए दूसरे टेस्ट में टीम इंडिया इंग्लैंड पर भारी पड़ी। पहली इनिंग में रोहित शर्मा की 83 रनों की पारी और KL राहुल की 129 रनों की पारी के बदौलत टीम इंडिया ने 364 रन बोर्ड पे चढ़ दिए। हालांकि उस समय इंग्लैंड ने अपनी पहली इनिंग में 391 रन बनाए और 27 रनों की लीड ले ली। अब यहां पर टीम इंडिया के लिए दूसरी इनिंग में बड़ा स्कोर बनाना और इंग्लैंड के सामने बड़ा टारगेट रखना बहुत ही जरूरी था। दूसरी इनिंग में टीम इंडिया का टॉप ऑर्डर पूरी तरीके से लड़खड़ा गया। उस समय मुसीबत में फंसी टीम इंडिया को मोहम्मद शमी और जसप्रीत बुमराह की 90 विकेट के लिए 89 रनों की नाबाद पारी ने निकाला। मोहम्मद शमी ने 56 रनों की नाबाद पारी खेली तो वहीं जसप्रीत बुमराह ने 34 रनों की नाबाद पारी खेली। टीम इंडिया ने इंग्लैंड के सामने 272 रनों का टारगेट रखा। हालांकि इंग्लैंड की टीम 120 रनों पर ही सिमट गई और टीम इंडिया ने लॉर्ड्स में खेले गए दूसरे टेस्ट में शानदार जीत हासिल की। दोस्तों साल 2021 का पांचवा सबसे बड़ा मूवमेंट इंग्लैंड के खिलाफ उसी सीरीज के चौथे टेस्ट में आया, जब टीम इंडिया ने 50 साल बाद द ओवल में टेस्ट मैच जीता। दोस्तों इससे पहले टीम इंडिया ने द ओवल में आखिरी बार 1971 में टेस्ट जीता था, लेकिन विराट कोहली की टोली ने 50 साल के लंबे इंतजार को खत्म किया और द ओवल में इंग्लैंड के खिलाफ 157 रनों की बड़ी जीत हासिल करके सीरीज में 2-1 से अहम बढ़त बना ली। हालांकि सीरीज का पांचवा टेस्ट मैच 2022 में खेला जाएगा। तो दोस्तों मेरे लिए तो साल 2021 में इंडियन क्रिकेट टीम में ये सबसे बड़े 5 मूवमेंट रहे। आपके लिए कौन से थे मुझे कमेंट में जरूर से बताइएगा और वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। हमारे टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करना मत भूलिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां पर आपको क्रिकेट से जुड़ी लगातार खबरें सबसे पहले मिलती रहेगी। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, कमेंट में अपनी राय दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।